हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज की। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और आप में से जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, घुटने का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, या ऐसे लोग जिनको अभी शुरुआती दौर में घुटने का दर्द स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये घुटने का जो दर्द है, आपको आपके कार्टिलेज के घिसने के कारण, नी जॉइंट की जो स्पेस है उसके रिड्यूस होने के कारण होता है, क्योंकि घुटने आपकी बॉडी के शॉकअप है और हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे घुटने ही बियर करते हैं। और अगर घुटने में कोई समस्या होती है तो धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगती है, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट बियर करने के कारण जब उन पर प्रेशर आता है तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब वहां पर स्वेलिंग और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को ठीक करने के लिए आज मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा। जो लोग भी घुटने के दर्द से परेशान है वो लोग इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करने के पहले हल्के गर्म पानी की सिकाई जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से लोड बना लेना है। मैंने फॉर्म रोलर का यूज किया है। आप बेडशीट को घड़ी करके उसको रोल करके भी बना सकते हैं इस तरीके का रोलर, और इसको आपको अपने घुटने के जस्ट नीचे इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद अब आपको अपने घुटने से इसे प्रेस करना है नीचे की तरफ। आप फील करेंगे कि आपकी ये जो कटोरी है वो टाइट हो रही है। इसे प्रेस करते हुए आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर रिलैक्स। इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए इसे 10 टाइम रिपीट करना है मिनिमम। जब ये 10 रिपीटेशन आपके हो जाए, उसके बाद आप इसी लोड को उठा करके इसे अब एडी के नीचे इस तरीके से प्लेस करेंगे, और सेम इसी तरीके से आपको एडी से भी इस लोड पे प्रेशर लगाना है नीचे की तरफ। इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करते हुए आपको 10 सेकेंड काउंट करना है, होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इसे भी आपको 10 टाइम रिपीट करना है। तो ये आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी, जिससे आपकी नी की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने घुटने को मोड़ करके अपने हाथों से इस तरीके से फिक्स करेंगे, और इसको अब आपको चेस्ट की तरफ लेकर आना है। इसे आपको स्ट्रेच करना है, 10 सेकेंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। एक ऐसे आप इस पैर से भी करें अगर आपको दोनों घुटनों में दर्द है तो। इसे भी आपको 10 टाइम रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब आपको SLR करना है। इसमें अब आपको अपने पंजे को पीछे की तरफ खींचना है और अपने पैर को करीब 30 से 40 डिग्री उठा के रखना है। इसे रोक के रखेंगे, 10 सेकंड इसे भी होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर रिलैक्स। अगेन इसको पैर को उठाएंगे, फिर 10 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसी तरीके से इसे भी आपको 10 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हाई सीटिंग पे बैठना है। हाई सीटिंग का मतलब आप जब बैठें तो आपके जो पैर है जमीन से टच ना हो, पैर लटके हुए रहना चाहिए। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, जहां से हमारा घुटना मुड़ता है वहीं तक आपको पीछे खसक कर बैठना है। मींस आपका जो घुटना है मुड़ने के बाद यहां पर 90 डिग्री फ्लेक्स रहना चाहिए। अब आप पैर लटका के इस तरीके से बैठ जाएंगे और अपने एक हाथ को इस तरीके से यहां पे प्लेस करेंगे। हाथ को यहां इसलिए हमें रखना है ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी थाई ऊपर ना उठे और सिर्फ नी ज्वाइंट से ही मूवमेंट हो। इसमें आपको इस तरीके से पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, पंजे को हल्का सा पीछे लेकर आएंगे, इसे भी आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद नीचे छोड़ देंगे। अगेन आपको इस तरीके से पैर को उठाना है, इसे भी 10 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स। इसे भी आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको पटेलर मोबिलाइजेशन बताऊंगा, जिससे आपकी नी की स्टिफनेस कम होगी, पेन कम होगा और स्वेलिंग भी कम होगी। इसमें आपको अपनी कटोरी को बिल्कुल फ्री इस तरीके से कर लेना है, पैर को बिल्कुल रिलैक्स करना है, और अब आपको इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए अपने दोनों अंगूठों का यूज करना है। इस तरीके से आप इसको मोबिलाइज करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। जितना फ्री रखेंगे उतना बेहतर होगा, और अंगूठे से इस तरीके से इसको चलाना। इसे कम से कम 10 से 15 बार इस तरीके से चलाएंगे, और उसके बाद अब इसे ऊपर और नीचे इस तरीके से कटोरी को ग्रिप करके चलाना है। इसे भी आप 10 से 15 बार चला सकते हैं। इसे हम पटेलर मोबिलाइजेशन कहते हैं। इससे आपके घुटने की स्टिफनेस कम होगी और पेन में भी आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। जब ऊपर नीचे चल जाए तो अब इसे डायगोनल पैटर्न में इस तरीके से क्रॉस में चलाना है। इस तरीके से एक बार इस साइड से ऐसे चलाएंगे 10 बार और फिर एक बार इस साइड से ऐसे चलाएंगे। तो इसे भी आप एक्सरसाइज में शामिल करें और इसको भी आप 5 to 10 रिपीटेशन कर सकते हैं।
तो ये थी फ्रेंड्स कुछ सिंपल एक्सरसाइज जिनको करके आप अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। जब आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाए उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे तो फिर से आपको घुटने का दर्द होने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आपका कार्टिलेज घिस रहा है, ज्वाइंट खराब हो रहा है, तो आपको आसपास की मांसपेशी और लिगामेंट को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि घुटने के जोड़ पे ज्यादा प्रेशर ना आए और आपको घुटने के दर्द में भी आराम मिले। घुटने की मांसपेशियों को कैसे मजबूत रखें, कैसे स्ट्रेंथनिंग करना है, इसकी जानकारी मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग लाभ ले सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।